हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, आज कम्युनिटी में मैंने एक पोस्ट शेयर करी थी जिसमें बताया था कि एक लोको पायलट भाई से आपका इंटरव्यू करा जाएगा, उनसे मिलवाया जाएगा। और जितने आपने सवाल पूछे हैं उस पोस्ट के नीचे, उस इमेज के नीचे, वे सारे प्रश्न इस वीडियो में आप दयानंद भाई तक पूछेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए यदि आप इंटरेस्ट में है। तो दयानंद भाई राम राम। राम राम जी। अच्छा ये बताओ भाई, आप किस पद पर रेलवे में कार्य कर रहे हो इस टाइम पे? इस टाइम पर मैं सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट एट हिसार वर्क कर रहा हूँ। अच्छा, यानी कि आप लोको पायलट हो, असिस्टेंट लोको पायलट हो? हाँ, असिस्टेंट। आपका आई कार्ड दिखाने एक बार। तो भाई सारा विद प्रूफ आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये आप कार्ड देख सकते हो भाई साहब, इसमें देख सकते हो, आपको मिल जाएगा कि असिस्टेंट लोको पायलट है दयानंद है ये, ठीक है। तो एक तो भाई सबसे पहला मतलब आपके भी मन में होगा, मेरे मन में है कि जो रेल का हैंडल है वो किसा होगा? हैंडल हर इंजन का अलग अलग होता है, किसी टाइप का सीधे नोचल होने वाला होता है, जैसे गाड़ियों में होता है गोल टाइप का भी हैंडल आ रहे हैं। ज्यादातर सुना भाई गियर टाइप के हैंडल हो इसमें? हाँ, गियर टाइप के हैंडल ज्यादा रहते हैं। अच्छा अच्छा, तो भाई जैसे आप अपनी ड्यूटी ऑन करो, पहली बार आप फोन करते हो भाई आपकी ड्यूटी पर शुरू होगी, तो आपने क्या क्या चेक करना पड़ा है रेल का भाई, ये चीज चेक करके फिर आप रेल में चलाओ? लोको पायलट की ड्यूटी घर से तैयार होते हैं, चलते हैं, जब हम लोमे में जाते हैं साइन ऑन करते हैं तब से शुरू हो जाती है। ब्रेथलाइजर होता है हमारे सबसे पहले, दारू प्रशिक्षण जो फूंक मार के चेक कर किया जाता है, उसके बाद में हम इंजन में जाते ही पूरा इंजन को चेक करते हैं कि ये चलने के लिए रेडी है कि नहीं है। यानी कि हर रोज ये चेक करी जाओगे अपने दारू पी रखी है कौन पी रखी? ऑन ड्यूटी करते वक्त और ऑफ ड्यूटी करते वक्त दोनों वक्त ब्रेथलाइजर टेस्ट होता है लोको पायलट का। अच्छा अच्छा, 570 रुपए पियो भाई, तुम अरवाइस में जाइए है ना, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा आगे ये बता भाई, रेल पहले तो कोयला तो चला कर दी, फिर बिजली कर, बीच में तेल ताल भी, इसमें कौन सा तेल यूज हो भाई? हाई स्पीड तेल यूज होता है। अच्छा, डीजल पेट्रोल तो अलग हो? हाँ, डीजल पेट्रोल से अलग होता है। अच्छा अच्छा, गोसा गाशा तक चल जाए भैया ना? चलो, एक भाई लोको पायलट किया, किसी भी रेलवे कर्मचारी जो है उसकी हाजिरी किस तरह ले जा भाई? लोको पायलट की हाजिरी सीएमएस के थ्रू लगती है, सीएमएस पे ऑन और ऑफ होता है, उसी से अटेंडेंस होती है। अच्छा, कोई बायोमेट्रिक सिस्टम का? बायोमेट्रिक सिस्टम यही सीएमएस बायोमेट्रिक सिस्टम। अच्छा, तो कहता क्या की ड्यूटी हो वैसे 9 से 10 का मतलब ये टाइम है, 10 से 5 का या कुछ अलग तरीका हो इसमें? लोको पायलट की कोई टाइम फिक्स टाइम नहीं होता, उसकी गाड़ियों के हिसाब से लगता है, रेस्ट कंप्लीट होने के बाद उसकी जब भी पहला नंबर पड़ता है गाड़ी होती है उसमें उसकी ड्यूटी आ जाती है। अच्छा भाई, हेडक्वार्टर पे रेस्ट उसको 16 घंटा का दिया जाता है और गाड़ी अगले स्टेशन तक रनिंग रूम तक पहुंचने तक उसको छोड़नी पड़ती है। अच्छा भाई, एक बालक ने कमेंट करा था कि सैलरी कितनी मिला है, तो आपने पहली सैलरी कितनी मिली थी लोको पायलट की? पहली सैलरी 23-24 के बीच में रही थी, अब सैलरी उससे कुछ बड़ी हुई है। अच्छा, अब मान ले कि आपकी आपने ज्वाइनिंग कब करी थी? ज्वाइनिंग 10-20-15 2015 में। अच्छा, तो उस टाइम पे 25 के आसपास थी, अब मान ले कि आपकी 40 या 45 के आसपास होगी? हाँ, इतनी, ठीक है। ये सैलरी रहती है भाई लोको पायलट की, ठीक है। तो आगे आप और क्वेश्चन लेवांगे इस चीज से जुड़े, आप यदि एएलपी लग गए इसमें तो प्रोमोशन कैसे हो भाई? शुरू में इनिशियल पोस्टिंग एएलपी की होती है असिस्टेंट लोको पायलट की, उसके बाद में 2 या 2.5 साल के बाद में उसको सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट बना दिया जाता है, फिर डिवीजन में प्रमोशन के बेस पर उसको लोको पायलट गुड्स बनाया जाता है, पहले मालगाड़ी का बनता है फिर उसको पैसेंजर प्रमोशन करके पैसेंजर का बनाया जाता है, तो पैसेंजर मेल एक्सप्रेस ऐसे चलता रहता है। ये जो प्रमोशन होगा ये टाइम के हिसाब से या कोई रिटर्न टेस्ट देना पड़ेगा कैसे? टेस्ट नहीं है, ये डिवीजन के हिसाब से, डिवीजन को जो जरूरत होती है उसके हिसाब से वो प्रमोशन करती है। अच्छा, सीनियरिटी के हिसाब से पहले प्रमोशन हम मान लेते हैं कि 2 या 2.5 साल के बाद में उसको सीनियर असिस्टेंट बना दिया जाता है। अच्छा, उसके बाद में डिवीजन में वो जरूरत होगी लोको पायलट की उसके हिसाब से वो लोको पायलट गुड्स बनाता है। एक बात यहाँ पर भाई, ट्रेनिंग लेके हर आदमी ट्रेन चलाना सीखे है, दयानंद भाई तो मैं शायद 8-9 साल तक जानू आज, ठीक है। गल्ला हमने आई टी आई करी थी, ठीक है, 2010 में अपनी आई टी आई हुई थी।
2008 से 10 तक हमने आईटीआई इकट्ठी करी है हिसार से। तो दयानंद भाई ने मोटरसाइकिल को चलाना करता, उससे पहले रेल चलाने सीखी थी भाई, ठीक है सही है। तो भाई साइको टेस्ट हुआ करे रेलवे में, वो किस हिसाब तो रख रहे कि मतलब थोड़ा बहुत आइडिया दे दो बालक ने, ताकि पता चल जावे कि साइको टेस्ट में इस टाइप के प्रश्न पूछे जावे, यो प्रोसेस रहो है। साइको टेस्ट के लिए पहले घर बैठ के आप आराम से तैयारी करो बुक से, उसके बाद में क्वेश्चन उसमें ऐसे होते हैं, आपको दो मिनट के लिए कोई चित्र दिखा दिया जाता है, उसका दो मिनट के बाद में उसको पलटा जाता है और उसमें से पूछा जाता है कि कौन सी चीज कहाँ दे, जैसे ए बी सी डी कुछ भी दे दिया जाएगा और उसके बाद में उसको पूछ लिया जाएगा। स्पीड टेस्ट होता है ये, सेकंडों में उसका आंसर देना होता है, ये साइको टेस्ट होता है, इसकी तैयारी करनी जरूरी है। अच्छा अच्छा, तो आपने तैयारी किसी कोचिंग सेंटर ली थी या मतलब घर पे बैठ के तैयारी करी थी भाई? साइको की तैयारी तो घर पर बैठ के करी, उससे पहले थोड़ी कोचिंग ले ली थी। अच्छा अच्छा, कॉम्पिटिशन टेस्ट के लिए। तो भाई एक पोस्ट आग्रह है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसका के काम हो भाई? कई बड़का ने कमेंट करे थे कि इस जॉब का काम पूछो के करना पड़ा हम थी, और किससे संबंधित है यार? सिग्नल एंड टेलीकम सिग्नल से संबंधित होगी, ट्रेन चलती है सिग्नल से ही चलती है, सिग्नल मिलेंगे तभी ट्रेन चलेगी, उससे संबंधित डिपार्टमेंट अलग है सिग्नल का और टेलीकम्युनिकेशन का फोन से संबंधित। अच्छा, ड्यूटी किस हिसाब से शुरू होगा? जैसे अपने 8 घंटे ड्यूटी करनी पड़े है या 12 घंटे या भाई सोमवार मंगलवार बुधवार टाइम के हिसाब से करनी पड़े, किस हिसाब से आपकी ड्यूटी शुरू है, किस तरह खत्म हो? ड्यूटी जी रेस्ट कंप्लीट होने के बाद जब भी पहली गाड़ी लगती है उसमें ड्यूटी लगती है, उसके बाद में हम गाड़ी ऑन ड्यूटी करके अगले स्टेशन तक जहाँ तक रनिंग रूम व्यवस्था है हमारे ठहरने की वहां तक जाना पड़ता है, और उसमें या तो 4 घंटों में पहुंच जाए या 6 घंटों में पहुंच जाए, यदि मालगाड़ी में है तो 12 घंटे तक ड्यूटी हो जाती है। अच्छा, ये फिक्स नहीं है कि आपकी ड्यूटी 8 घंटे लगातार रहेगी? नहीं, ये फिक्स नहीं है। अच्छा, सवारी गाड़ी है उसमें 2-3 घंटे में भी वो हो जाते हैं और मालगाड़ी में तो 12-12 घंटे चली जाती है। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे आपने लंबा रूट मिल गया, हाँ जी, तो आप हर रोज हेडक्वार्टर के हिसाब से बीट होती है उसकी, जैसे हिसार हेडक्वार्टर है तो हिसार रेवाड़ी चूरू बठिंडा दिल्ली पानीपत तक ही जाएगा। अच्छा, उससे ज्यादा आगे नहीं जाता उसके अलावा। नहीं, आप हर रोज तो घर नहीं आते हो? हर रोज घर नहीं आते, 2-3 दिन लग जाते हैं। अच्छा, जैसे आपने 8-7 घंटे गाड़ी चलाई और वो दूसरे जिले में जाके आपने रनिंग रूम मिला, हाँ जी, तो आपका रेस्ट वहीं पे 8 घंटे रेस्ट मिला या किस तरह मिला है? यदि ड्यूटी हमारी 8 घंटे से कम रहती है तो 6 घंटे का रेस्ट मिलता है, ड्यूटी 8 घंटे से ज्यादा हो जाती है तो हमें 8 घंटे का रेस्ट दिया जाता है। अच्छा अच्छा, तो भाई जितने भाई राज्य रहे की मैं हर रोज घर पे आ जाऊंगा, रेलवे का कर्मचारी जो गाड़ी में रनिंग रहे वो भाई घर पे हर रोज नहीं आ सकता, उसका ऑफ कहीं भी हो सकता है, रूट के हिसाब से हो सकता है, वो दूसरे जिले में लगभग रहना पड़ता है और दूसरे या तीसरे दिन आप घर पे आते हो, होम डिस्ट्रिक्ट में आते हो दोबारा, ठीक है। तो भाई जिस तरह आप रेल चलाओ, इतने बंदे आप लेके चल रहे हो, तो आप पे प्रेशर रहो किसी चीज का भाई, या बोर्डिंग लाइफ आपकी, मतलब लाइफ का बारे में बताओ कुछ? प्रेशर तो रहता है, यदि पीछे से यदि सवारी गाड़ी है तो सवारी होगी और माल गाड़ी है तो माल की। वैसे वर्क आप अपने हिसाब से इस चीज को हार्ड मानते हो या इजी मानते हो इस पूरे नौकरी को? दोनों है, हार्ड भी और इजी भी है। अच्छा। देखने में तो बड़ी अच्छी लगती है नौकरी, है भी अच्छी। अच्छा, और हार्ड तो फिर काम करना है ही, गर्मी और सर्दी में जितनी बाहर रहना पड़ा भाई, बहुत छोड़ के ज्यादा मुश्किल है। नहीं, सर्दी और गर्मी में भी दिक्कत रहती है, और बढ़िया मौसम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इस जैसी कोई नौकरी नहीं है। अच्छा, जैसे आप किसी और जोन में सिलेक्ट हो गए लोको पायलट या कोई और पोजीशन है या पद है, तो आप दूसरे जोन में जा सको या ट्रांसफर करवा सको या नहीं करा सकते? और जोन में सेम पोस्ट पर म्यूचुअल ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा, जोन चेंज हो जाएगा? हाँ, मेरी पहले पोस्टिंग जोधपुर में थी, सेम कैटेगरी सेम पोस्ट पर मैं यहाँ हिसार में आ गया। अच्छा, म्यूचुअल ट्रांसफर हो गए, सेम ट्रांसफर हो जाता है भाई, जोन चेंज हो जाते हैं, जोन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। लोको पायलट कोई टाइम की लिमिट हो भाई ट्रांसफर के लिए? भाई आपने 2 साल और करना चाहे उसके बाद? कोई टाइम नहीं है। अच्छा, आप ज्वाइन करते ही आपको म्यूचुअल ट्रांसफर मिल गया है तो आप म्यूचुअल ट्रांसफर की फाइन लगाओ, यानी कि भाई सेम कैटेगरी होनी चाहिए, सेम पोजिशन होनी चाहिए, तो ही आप एक दूसरे से ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में भाई अभी फार्म निकल रहे हैं, प्रोसेस जो चल रहा है भर्ती का, उसमें एएलपी की पोस्ट भी है और टेक्नीशियन की पोस्ट भी है, इन दोनों में फर्क क्या है भाई?
ईएलपी की नौकरी तो आप समझते हैं रनिंग की नौकरी है, टेक्नीशियन की नौकरी आपको यदि आईटीआई से संबंधित है, इलेक्ट्रिशियन से संबंधित है, उसको तो बिजली विभाग में दे दिया जाता है, और पीटर टर्नर मशीनिस्ट है उसको जैसे हम ये मने होते हैं उनमें दे दिया जाता है उनको। अच्छा। साइड में काम करने के लिए फिटर का काम फिटिंग करने वाला होगा, साइड में चला जाता है वो फिटर टर्नर जो टेक्नीशियन में जाने था। यानी कि जो एएलपी है वो तो रनिंग रहेगा, फील्ड का काम रहेगा उसका। हाँ, उसका फील्ड का काम। जो टेक्नीशियन है वो आपके साइडों में या जहाँ भी वर्कशॉप होती है वहाँ पे काम करेगा, वर्कशॉप में काम करेगा। ठीक है, तो बढ़िया कौन सी पोस्ट भाई आपके हिसाब से, एएलपी बढ़िया है या टेक्नीशियन बढ़िया है? बढ़िया तो अपने दोनों पोस्टें बराबर हैं, लेकिन एएलपी इससे बेस्ट है। एएलपी बढ़िया मानते हो आप? एएलपी बढ़िया मानता हूँ यदि आपको अपने घर के पास मिली हुई नौकरी है तो। अच्छा, रेलवे में जो कर्मचारी सिलेक्ट हुए हैं उसका मेडिकल कैसे हुआ, किक्के हो मेडिकल भाई? A1 मेडिकल होता है जी। किक्के चेक हुआ अगर भाई इसमें? पूरा शरीर भाई, कपड़े उतार के भी चेक हुआ? यो सिस्टम भी चेक होते हैं, आंखें 6x6 की जरूरी है। अच्छा, जैसे थोड़ी बहुत कमजोर हो तो आंखें चलती है या नहीं चलती रेलवे के नियमानुसार? रेलवे के नियमानुसार 6x6 से नीचे कुछ नहीं चलता। अच्छा, आगे आप जानते ही हो। ठीक है ठीक है, यानी कि भाई जिसका चश्मा चढ़ रहा है वो भी वैलिड नहीं होता, लेकिन वो कहीं ना कहीं डॉक्टर पे भी डिपेंड करा है, वो आपको किस तरीके से पास करा है या फैल करा है डॉक्टर पे भी डिपेंड है। रेल का नियम ये है कि आप नहीं लग सकते नौकरी। ठीक है, जो रेलवे के मेडिकल वाग रहे ये उन्हीं के हॉस्पिटल होते हैं या बाहर कहीं से? नहीं, रेलवे का मेडिकल होता है हर हेडक्वार्टर का। अच्छा, उनके मेडिकल पे या डिवीजन का होता है, रेलवे हॉस्पिटल उसमें होता है। अच्छा, बाहर वाले हॉस्पिटल नहीं वैलिड इसमें? नहीं, बाहर वाले हॉस्पिटल वैलिड। ठीक है भाई, इसमें यदि किसी ने लेंसिंग लेजर करवा रखी है वो चल जाती नहीं चल जाती? आंखों पे जस्ट चश्मा था उसने लेंसिंग सिस्टम करा लिया लेजर वाला, वो वैलिड होता नहीं होता? वैलिड तो होता नहीं, और चलने को कुछ भी कह नहीं सकते। ठीक है, अभी जैसे हम कई बार देखते हैं कि जो रेलवे में एएलपी होता है जो चलाते हैं रेल को उनके चश्मे चढ़े होते हैं फिलहाल जो पुराने हैं बंदे? पुराना सेकंड मेडिकल के बाद में डॉक्टर उसको अलाउ करे कि उसके चश्मे की जरूरत है तो उसको चश्मा दे दिया जाता है, वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है, हर 4 साल के बाद में मेडिकल होते हैं। ठीक है भाई, आगे ये बताओ जो रेलवे का कर्मचारी हो कोई भी ग्रुप डी का या चाहे लोको पायलट है वो कोई भी कर्मचारी है उनती ऑल इंडिया का पास मिला है कि घूमने का रेल में? पास मिलता है, आप जिस जगह जाना चाहते हो उसके वहाँ दोनों स्टेशनों के नाम लिखकर आप रिजर्वेशन अपने करवा सकते हो। अच्छा, पहले रिजर्वेशन करानी पड़े? हाँ। पास नहीं मिलता आपको? पास मिलता है आपको, जहाँ जाना होता है उसमें अपने दोनों स्टेशनों के नाम लिख के आप रिजर्वेशन करवा सकते हो। चलो ठीक है, एक भाई ने कमेंट करा था भाई उसकी एएलपी की पोस्ट मिलने के भी आसार है और हरियाणा में बेलदार की पोस्ट मिलने के भी आसार है, उसने कौन सी करनी चाहिए? यदि वो मेहनत करने का इच्छुक है तो एएलपी की पोस्ट बेटर है उसके लिए। ठीक है भाई, जिसने कमेंट करा था उसका जवाब मिल गया, एएलपी बेस्ट है पर मेहनत जरूरी है रात तो पता इसमें मेहनत ज्यादा जरूरत पड़े भाई एएलपी में। ठीक है, मैं तो लागे को नहीं, दयानंद भाई बताओ भाई, दूसरा कई लड़कियां ने फार्म रखे एएलपी के तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे भाई? लड़कियों के लिए टफ नौकरी है ये बहुत ज्यादा, और कई जगह मैंने देखा कि अब लड़कियों को एएलपी में नहीं लिया जाएगा, यानी कि रेल में ऑन ड्यूटी उनको नहीं रखा जाएगा, कहीं वर्कशॉप में रख लेंगे या ऑफिस में रख लेंगे, कुछ ऐसा है क्या? अब भी ऐसा ही है, लगभग लड़कियों को रख रहे हैं ऐसे ही, लेकिन आगे से मुश्किल है जो में लड़कियों को लेना रेलवे बोर्ड की तरफ से। चलो, तो भाई ये प्रश्न आए थे मेरे पास, आप सभी के सैलरी बता दी काम की वो है, तो जो से गरीब की ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही थी उनका एक आधी पोस्टर का आप काम बता सको, जो फैट तक ने ऊपर नीचे करा करा उसका के काम के नाम हुआ है? गेटमैन। अच्छा, एक आधी पोस्टर के और आपने नाम याद हो रहा काम बता दो ग्रुप डी में? सी हेल्पर हो गए ये सारे साइड में जाने वाले, या पॉइंट्समैन जो इंजन को जोड़ता है। पॉइंट्समैन इंजन को जोड़ने वाले होते हैं? इंजन को जोड़ने वाले। अच्छा अच्छा, और ये खलासी ग्लूसी ये भाई ये क्यों है? इनको तो यही ये ट्रैकमैन से संबंधित दे देते ना। अच्छा अच्छा, लाइनों को चेक करने के लिए। ठीक है ठीक है, और फिजिकल आपका भी हुआ था 2015 में उस टाइम पे? फिजिकल नहीं था। फिजिकल नहीं होता इसमें? मेडिकल होता है। एएलपी में फिजिकल नहीं है, ग्रुप डी में फिजिकल है। अच्छा अच्छा अच्छा, एएलपी की ग्रुप सी की वैकेंसी है। तो भाई ये थे दयानंद भाई, और इन्होंने ये दूसरी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, एक इन्होंने छोड़ दी थी पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में करी थी ज्वाइन, ठीक है, उसके बाद में रेलवे में लग गए थे।
इन्होंने मेरे साथ हाईटेक करी है भाई 2010 में, ठीक है, टर्नर ट्रेड से है। ये मेरी क्लास का टॉप बालक था और मैं सबसे डफर था भाई, ठीक है, ये भी था। और ये मेरा भाई बेस्ट फ्रेंड है और तब से आईटेक करी तब से आज तक हम इकट्ठे हैं, ठीक है। तो आज का इंटरव्यू भाई इतना ही, आपने जो कमेंट करे सारे बता दिए हमने, आगे किसी और भाई का यदि आप कमेंट करोगे उनसे मिलने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो आप और कमेंट करो ताकि किसी और से मिलके हम और जानकारी ले सके इसके बारे में, ठीक है। सबसे बढ़िया मौका है एलपी के लिए, इससे बाद में पता नहीं वैकेंसी इतनी आए ना आए, लेकिन अब हाँ एक बात भाई, वैकेंसी बहुत ज्यादा आ रही है, वैकेंसी बहुत अच्छी आ रही है, इसके बाद में भर्तियां भी कम हो जाएगी शायद, क्योंकि रिटायरमेंट कम हो जाएंगे, रिटायरमेंट होने थे अभी 2-3 साल में हो लिए हैं और हो रहे हैं, अब उसके बाद में वैकेंसी कम आए, उसके बाद में अभी जितना कोशिश कर सको आप करो पढ़ाई, ठीक है। तो भाई इस टाइम पर मतलब बड़ी आसान सबके पास मौका है कि यदि आप इस बार क्रैक कर दे तो हर चीज, तो भाई दी बेस्ट है आप सभी के लिए, आगे पता नहीं कितने टाइम बाद कितनी वैकेंसी आई, ठीक है। तो भाई ये छोटा सा एक इंटरव्यू था भाई के साथ में, ज्यादा ना तो इसने बेरा भाई बोलने का ना मन्ने बेरा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आपको वीडियो कैसी लगी है लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, ये वीडियो आपने यहां तक देखी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।